दो भी शायद अभी iOS 2010 ले जाएगा इससे, और एंड्रॉयड को एटलीस्ट अभी साल भर लगेगा, एटलीस्ट साल भर लगेगा जो वो iOS को बीट करे आगे। और वो मतलब लैपटॉप्स का तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लैपटॉप यूज़ करते थे यहाँ पे मतलब बड़ा करते हैं ऊपर कसर नहीं करता है, लेकिन ये सब बड़ा बन जाएगा और टैबलेट हमारे पास फॉर्म में आएगी, और टैबलेट भी ना शॉर्टर फॉर्म और मोबाइल को थोड़ा सा बिगर फॉर्म है, जो एक गैलेक्सी नोट जैसे कि हम देखते हैं कि ऐसा डिवाइस जो हमारा स्मार्टफोन भी होगा, डाटा सेंटर भी होगा, डाटा बैंक भी होगा, कनेक्टिंग डिवाइस भी होगा, और बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग डिवाइस भी होगा, जब हमें कुछ प्रिंट निकालना है कुछ ग्रैप हुआ तो कितने सारी चीज़ें, और वही चीज़ कनेक्ट आउट करेगा टीवी से और डिफरेंट डिवाइसेस से वो बातें कर सकेगा। और अभी जैसे बड़ी बात हुई थी कि डिफरेंट सिस्टम्स में जा रहा है, टीवी सिस्टम में भी जा रहा है, गाड़ियों के अंदर आ रहा है, जब अपने हिसाब से उसको टच स्क्रीन से आप गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं, उसको सारी गाइडेंस दे सकते हैं। एंड्रॉइड स्पेस पे वो क्या क्या आगे करता है। दूसरी बात हो रही थी कि सिम्स के हवाले से, तो सिम्स का भी फ्यूचर थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है, जो इंटरनेट पे ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, तो स्काइप हो गया, व्हाट्सएप मैसेंजर हो गए, इन लोगों की वॉर अब स्टार्ट हो गई है, कौन किस किसी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और लास्ट मोबाइल में जब हमने बात करी थी, मेरी भाई ने अपना वो बताया था फ्यूचर, अच्छा मैं थोड़ा सा नंबर्स के बारे में पता है कि नंबर्स क्या होंगे, नाम होंगे, कंट्री कोड शायद चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगे, जब मैटर में बंदा बैठा हो यहाँ पर बैठे इक्वल प्लेटफॉर्म पर होंगे। ईनम की बात हुई थी, जैसे कि ईनम मेरा ख्याल है बहुत लोगों को पता चल चुका होगा, अगर जो पिछले मोबाइल पे बात हुई उसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन की बात हुई थी कि GSM पे नंबर होना जरूरी नहीं होगा, एज लॉन्ग एज यू हैव अ डेटा इन योर सेल और वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क्स, आपको GSM की जरूरत नहीं होगी। जो 3G की बात करते हैं लोग, तो अगर आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी कहीं से मिल गई तो आपको नंबर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप ऐसी इनेबल्ड सिर्फ डिवाइसेस आ चुकी हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो आपके सेल फोन के अंदर एम्बेड हो जाएंगे। अगर ईनम इनेबल हो गया तो दुनिया में कहीं भी एक यूनिक आपका जो ईनम है, जैसे शिराज नाम है अगर आपका, तो आप शिराज डायल करेंगे तो शिराज डायल हो जाएगा, सब्जेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर्स अलाउइंग यू टू डायल दैट पर्टिकुलर IP, दैट पर्टिकुलर नेम और समथिंग। और ये जब होगा जब हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स ने वो ईनम को इंटीग्रेट करेंगे उनके डेटा बेसिस के अंदर, उनके सर्विसेज के अंदर, जब तक DNS नहीं हुआ तब तक नाम तो यूज हो ही नहीं सकता, तो फाइनली वो होता होगा तो वही, बट इट सीम्स अभी उसको टाइम लगेगा क्योंकि सेंट्रल डेटाबेस जो है ईनम का वो दो तीन सामने आएंगे, उनमें से एक को फाइनलाइजेशन नहीं हुई अब तक, तो जिस दिन वो हो जाएगा तब तक मेरा नहीं ख्याल है फ्यूचर में, जैसे आपने बात की थी कि वो 8080 की उसने बात की डेटा डिवाइस बन जाएगी, तो इट विल इवेंचुअली दैट विल हैपन बिकॉज की जरूरत ही नहीं रहेगी DSL की। तो थोड़ा सा फ्यूचर अब आसान नजर आ रहा है, और जैसे एप्लीकेशन और फ्यूचर भी एप्स एप्स है, अपने की बात में ज़्यादा देखो तो बताए ऐप इन्वेंटर जो गूगल एप्स की एप्लीकेशन है, तो मुझे लग रहा है कि बजाय टीवी पे बच्चे कार्टून देखें तो बैठे हुए ऐप्स डेवलप कर रहे होंगे, हमें बता रहा हूँ आज हमारा हुआ ये होता है एप्लीकेशन डेवलप करके लाए और हमने ये बना लिया है। तो एजुकेशन और खासकर बच्चों के लिए, खासतौर पर जो ओल्ड एज के थोड़े से जो लोग हैं जिनको कंप्यूटर में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आई, अब वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं हर जगह पर नज़र आ रहा है। और छोटी बात बताऊँ, 4-5 साल पहले जब आईपैड लॉन्च हुआ और जब मैंने उसकी ऐप्स देखी तो मैं परेशान हो गया, तो मैंने फेसबुक पे जाकर स्टेटस लिखा था कि यार कोई मुझे इसकी ऐप बनाना सिखा दे, तो मेरा एक दोस्त है US में, उसने मुझे फ़ोन किया रात में, तो उसने कहा यार तुमको आईपैड ऐप्स नहीं आती बनाना, मतलब वो ऐसा था कि पहले तो वही आता नहीं, मैंने कहा यार मैं समझा नहीं क्योंकि तो अभी नया, उसने बताया कि वहाँ समर कैंप बच्चों स्कूल में ऐप्स सीखने जाते हैं, तो जिस वक्त मैं ये स्टेटस लिख रहा था 4-5 साल पहले तो मुझे कोई ऐप सिखा दे, उस वक्त उसके बच्चे उन ऐप्स से खेल रहे, ज़ाहिर है जब वो जनरेशन बड़ी होगी तो वो उसके कॉन्सेप्ट आइडियाज़ और डिज़ाइन कहाँ से कहाँ पहुँचे, हमें अभी से शुरू कर देना चाहिए उसको, ऐप्स बनाना तो मतलब
मुझे एक ऐसी ऐप मिले जहाँ के तौर पर मैं घर से निकलूँ, मुझे शूज चाहिए, मैंने फीड कर दिया मुझे शूज चाहिए, और मैं जैसे ही डॉल्फिन मॉल के अंदर एंटर हूँ लिखा हुआ आ जाए वेलकम टू डॉल्फिन मॉल, और नीचे आ जाए कैटरपिलर पे ये सेल लगी हुई है, एडिडास के शोरूम पे ये सेल लगी हुई है, नाइकी के शोरूम पे ये सेल लगी हुई है। तो ये पाकिस्तान में क्या देखते हैं आप, ऐसा होगा? बहुत ही मतलब मुश्किल कैरियर के हिसाब से बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सेल्फ पोजिशन होती हैं, ये आराम से नहीं मिल पाती और एक्यूरेट नहीं होती, और फिर इनके डिस्टेंस देखे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर तक का होता है। तो अब रह गया सर फोन में अगर GPS है और ये ब्लूटूथ से भी काम हो सकता है, उससे ये बड़ा अच्छा काम से नॉर्मली कोई एप्लीकेशन डेवलप हुई है ऐसी, और मैंने किसी एग्जीबिशन में देखी भी थी कि वो बेसिकली मार्केटिंग का ये फैसिलिटी में आते हैं, तो फिर वो आपको मैसेज आने शुरू हो, ये मर्चेंट्स का स्पेशल ऑफर्स आपके पास आने शुरू हो जाते हैं, जो आर एक्सेसिबल जो है आउटलेट फ्लैश कि शायद पाकिस्तान में इस तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही है, और इसलिए कि हमारा जो सेट कल्चर है वो डिजिटल को सिर्फ इतनी अहमियत देता है कि मेरे बच्चे को अच्छा है, मतलब वो खुद स्मार्ट नहीं होना चाहिए। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहें कि यार मेरी शॉप 4 स्क्वायर पर मौजूद होनी चाहिए, जब कोई नर्सरी हाउस है तो मेरी शॉप है, ये कल्चर ही नहीं है ना। अगर आप इसको समझाने की कोशिश करें तो वो भाई बात सुनने के लिए तैयार है। हेलो डॉक्टर, करना बड़ा आसान है कि आप प्रॉपर में एंटर हो और आपको सेल वगैरह सब मिल जाए, वो डेटा